अंजलि कैसा लगा स्विमिंग करके? मुझे तो आती नहीं है तो खास फर्क नहीं पड़ता, मैं तो दाएं की तरह ऊपर नीचे करती है। वो तो सिर्फ टायर लेके बैठी थी। फुटबॉल है, कैरम है और स्नूकर टेबल भी। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज करण, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल सिंड्रोम। और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग वापस एक रिजॉर्ट पे आए गुजरात में, बनियन हिल्स रिजॉर्ट, जो कि बड़ोदरा से 30-35 किलोमीटर्स कुछ दूर है। एंड लेट मी शो यू कितनी अमेजिंग प्रॉपर्टी है। और मैंने सिलेक्ट किया था, अंजलि ने सिलेक्ट किया था। फर्स्ट लेट मी शो यू हमारा जो रूम है वो कैसा है और क्या एकदम मस्त अंदर एक सरप्राइज आपके लिए। सो लेट मी शो यू द रूम। अंजलि जरा इंट्रोडक्शन करवाइए। तो देखिए, सबसे आपको सही आपको मिलेगा ये स्टैंड जो लग रहा है वो पेड़ जैसा, बट इसमें आप कपड़े डाल सकते हैं, है ना? कपड़ों के लिए ना करनी है, मैं श्योर हो गई हूँ। ठीक है, फिर आपको एक चेयर मिलेगी, विंडोज बंद है, चलेगा, देखने की जरूरत नहीं। वैसे अंदर का भी बहुत अच्छा है। ठीक है, टेबल है, केटल है, मस्त केटल है, यहाँ पर चाय और सबकी चीज़ें रखी हैं, कॉफ़ी पानी की बॉटलें। ठीक है, टेबल मस्त। और ये सोफ़ा, टीवी मिल रहा है, हिला सकते हैं कि नहीं? नहीं ला सकते, जैसे वो एडजस्टेबल था मैं देख रही थी। ये सोफ़ा है, ये मेरा पॉश बैग है। ठीक है, ठीक है। लैम्प का इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं आई थिंक। और ये बहुत मस्त बेड है, आई जस्ट लव्ड इट। ये बेड है, बहुत खूबसूरत बेड है। आपको ये अलमारी मिलेगी जिसमें मैं अपना सामान रखना है, बट हमें रखा नहीं अभी तक। तिजोरी, अलग गहने, कैश बहुत सारा ले लेके आए तो रखिए। वॉशरूम, ये है वॉशरूम। वॉशरूम के ऊपर से तार क्यों निकल रही है? वो उसको बोलना पड़ेगा, चल जहरीला वॉशरूम। ये है वॉशरूम और एक टेबल है, चेयर है, आप अपने आप को ताड़ सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं ताड़ रही हूँ। दोनों तरफ ताड़ सकते हैं। ठीक है, एसी, हवा के लिए फैन, दो फैन। ठीक है, और जो हम लोग जिसका वेट कर रहे थे, बेस्ट पार्ट वो है एंड दिस इज द बेस्ट, मेरी चॉइस है। सो अभी बजे 12:30, हमने जस्ट चेक इन किया 12 बजे यहाँ पे, तो थोड़ा सा फ्रेश होंगे, देन 1:30 हम लोग लंच करने के लिए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ना एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी, अगर आपने हमारा वो कौन सा रिजॉर्ट था जहाँ पे हम गए थे, मिडास टच रिजॉर्ट का आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ थी काइंड ऑफ यहाँ पे भी सेम ही है, एक दो ज़्यादा है गेस। तो वो उसका जो टाइम है वो हाईटी के बाद है, 4:30 to 6 PM तक आप वो कर सकते हो। सो जो हमारा पूरा पैकेज है वो आपको बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो, ताकि आपको पता चले कि अगर आपको ये वाला रूम बुक करवाना है, ऑल इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट डिनर लंच हाईटी सब, तो कितना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो एज यू कैन सी लाइन में ऐसे बहुत सारे बंगलोज है, और नीचे के जो बंगलो है और ऊपर के जो है वो अलग अलग है, मतलब आपको अगर टेरेस वाला चाहिए तो ऊपर जाना पड़ेगा, तो उसमें आपको, क्योंकि उसमें आपको ना इनबिल्ट स्विमिंग पूल आपके रूम में अंदर नहीं मिलेगा, अगर आपको स्विमिंग पूल चाहिए तो नीचे का लेना पड़ेगा, बट ऊपर में ना आपको ऐसी छत मिलेगी एज यू कैन सी। तो आपकी चॉइस है आपको क्या सिलेक्ट करना है। Thank you.
चलो कितना खाएगी, खड़ी हो जा। रोटी पे, रोटी पहले। रेस्टोरेंट से आया लंच करके, और मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे रेस्टोरेंट है, और उसके सामने यहाँ पे ये जनरल स्विमिंग पूल है सबके लिए, और पीछे इंडोर गेम्स है। अगर लंच की बात करूँ तो ठीक है, मतलब जितने पैसे पे किए हैं उसके कंपेयर में, क्योंकि दो सब्जियाँ मिलती है आपको, रोटी है, दाल फ्राई जीरा और एक स्टार्टर में कुछ आइटम है। और शॉकिंग बात तो ये है कि इन लोगों ने छाछ इंक्लूड ही नहीं किया, मतलब यार गुजरात में आपका रेस्टोरेंट है और आपने अपने मेन्यू में छाछ नहीं दी है, अलग से आपको छाछ देनी पड़ेगी कुछ 75-80 रुपीज़ की है, सो कीप दैट इन माइंड। उसके सामने इन लोगों ने कुछ जूस रखा है, बट यार कौन जूस पिएगा, गुजरात है, कम ऑन, छाछ तो देनी पड़ेगी। एनीवेज चलो अंदर चलते, देखते कौन कौन से गेम्स है इंडोर में। तो एज यू कैन सी यहाँ पे टीटी है, फूसबॉल है, कैरम है, और स्नूकर टेबल भी। तो ये चार गेम्स आपको मिलेगी, और यहीं पे बाहर स्विमिंग पूल है, तो अगर आपको हमारी तरह स्विमिंग पूल वाला कमरा है देन इट्स ओके। सो अभी लंच करके मस्त बैठा है अपने बालकनी में, सामने स्विमिंग पूल है और उसके सामने एक व्यू है। स्विमिंग पूल में अभी तक हम लोग इसीलिए नहीं गए क्योंकि वो बहुत गंदा है, तो अभी मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया है, वो लोग आएंगे शायद स्विमिंग पूल साफ़ करके देंगे इसीलिए जाएंगे। बट आई वुड रिकमेंड कि स्विमिंग पूल वाला रूम मत लो क्योंकि बहुत छोटा है, किड्स वाला स्विमिंग पूल है, उससे अच्छा कि वहाँ जो बाहर जो स्विमिंग पूल है ना उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, वो ज़्यादा डीप है, तो आप आराम से तैर के एंजॉय कर पाओगे इफ़ यू नो स्विमिंग। प्राइवेट का मतलब ऐसा है भी नहीं, प्राइवेट है ही नहीं, ऑलमोस्ट सब देख सकते हैं। हाँ अगर आप देखोगे यहाँ से ये पूरा ओपन है, तो सामने बालकनी ऊपर से या कहीं से कोई देख सकता है, सेम केसेस ही है, ये भी पूरा ओपन है तो कहीं से भी कुछ कोई भी देख सकता है, मतलब प्राइवेट काइंड ऑफ प्राइवेट है, बस आपको व्यू अच्छा मिलता है सामने पहाड़ का। बाय द वे इंडोर स्विमिंग पूल में एक और फीचर आपको मिलेगा कि आप ना जैसे मालदीव्स के काफ़ी वीडियोज़ आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे आप स्विमिंग पूल पे ब्रेकफास्ट कर सकते हो, इट्स कॉल्ड फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पे भी वो आप कर सकते हो, जस्ट दैट कि उसके शायद कुछ 2,000 या 2,500 रुपये थे जो मुझे इतने वर्थ नहीं लगे, और अभी लंच करने के बाद तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि 2,500 रुपये में 5 आइटम के लिए तो नहीं दे सकता, बट अगर आप करना चाहते हो, मज़े लेना चाहते हो मालदीव्स के, यहाँ पे डेफिनेटली यू कैन ट्राई दैट। सो अभी हम लोग बाहर के स्विमिंग पूल में आए थे, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा जो रूम का स्विमिंग पूल है वो बहुत ही गंदा है, साफ़ करने के बाद भी इतना साफ़ नहीं था कि यहाँ के हम लोग स्विमिंग करें, इसलिए हम ये स्विमिंग पूल में आए थे। बहुत मज़ा आया, 1 घंटे तक हमने स्विम किया, अभी कुछ 3:15 हो रहे, तो 4 बजे हमारा वो हाई टी का टाइम है, तो हाई टी लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे 4:30 बजे एक्टिविटीज़ में। बाय द वे यहाँ पे साइकिल्स भी है, तो अगर आपको साइकिलिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। 500 रुपीज़ से डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट के पैसे आपको देने पड़ेंगे, बाकी साइकिलिंग फ्री है। तो अंजलि कैसा लगा स्विमिंग करके? मुझे तो आती नहीं है तो खास फर्क नहीं पड़ता, मैं तो गाय की तरह ऊपर नीचे करती है। वो तो सिर्फ टायर लेके बैठी थी, टायर लेके बैठी थी, वो भी चल के ऐसी थी कोने 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 में, फिर भी अच्छा लगा थोड़ा। हाँ मेरे को फ्रेश लगा। डेफिनेटली यार स्विमिंग पूल वाला रूम मत लेना, वर्थ नहीं है क्योंकि 2,000 या 2,200 रुपये कुछ है नॉर्मल रूम से ज़्यादा है, इससे अच्छा तो बालकनी वाला रूम ले लो, तो आपको व्यू भी अच्छा एंजॉय करने को मिलेगा। स्विमिंग पूल इज नॉट वर्थ इट। सो अभी और है 4:45 और इट्स टाइम फॉर हाई टी, यहाँ पे शायद थोड़ी कुकीज़ है और चाय नाश्ता, आपको मैं बताऊँगा कौन कौन सी चीज़ें, और उसके बाद हम लोग जाएंगे एडवेंचर जोन में, उसका टाइम कुछ 4:30 से 6:30 तक है, तो जल्दी शाम हो जाती है, अभी विंटर चल रहा है इसलिए। सो लेट्स गो। एज यू कैन सी हम लोग अभी एडवेंचर जो सेक्शन है वो एरिया वहाँ पे आ गए, और यहाँ पे ऊपर मेरे जिप लाइन है और बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ फर्स्ट देखेंगे? अंकल तू क्या करेगी? मैं काटूंगी तेरे को। मेरे फोटोज़ खींचेगी तो? मैं तेरी फोटोज़ खींचने के लिए आई हूँ। अंजलि का स्लिप डिस्क हो गया इसलिए वो कर नहीं पा रही, अभी कोई आया नहीं है तो फटाफट हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सो अंजलि अभी तक कैसा लग रहा है रिजॉर्ट? वर्थ है? अच्छा है, पर मेरे को वो स्विमिंग पूल वाला रूम वर्थ नहीं रहा, मतलब हाँ मतलब 2,500 है इसका, मुझे और अच्छा लगा ऐसे। अच्छा है, एक्टिविटीज़ है जो मैं नहीं कर सकती स्लिप डिस्क की वजह से, मैं देख के बस करण को ऊपर से उसकी रील्स बनाऊंगी, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं उसकी रील्स बनाऊंगी अपने को छोड़ के। ठीक है, मत रहो चले।
तो अभी जस्ट मैंने जिप लाइनिंग ख़त्म किया, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बट मुझे ऐसा थोड़ा बीच में डर लगा कि वो पूछ रहा था कि अभी आप 80 से ऊपर तो नहीं आपका वेट, मैं बोला नहीं 80 से नीचे ही है। उधर फिर ठीक है, पर बीच में ना थोड़ा डर लगता है। जैसे हमने मॉरिशस में किया था, इतना कम्फर्टेबल नहीं था। बट हाँ, अगर 80 तक आपका वेट है देन डेफिनेटली यू मस्ट ट्राई दिस। और अंजलि वापस आते हुए, हाँ अंजलि वापस आते हुए रिवर्स में पहला बंदा देखा जितना आगे नहीं गया उतना रिवर्स में पीछा है। ठीक है चल, कर लिया साइकिलिंग भी कर ली। साइकिलिंग में तो भाई बहुत ज्यादा हालत खराब थी। साइकिलिंग में तो करण की साइकिल ना एक बार बीच में रुक गई, मेरे को लगा आए हाय अब तो करण पक्का गिरेगा मुझे लगा आज तो। और साइकिल रुकी, फिर वो सामने वाला बंदा मुझे बोला राम 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 नहीं कर रहा था। नहीं, मैंने फिर एक ऐसा हाथ से पकड़ लिया ऊपर रस्सी और फिर मैं चलाने लगा, क्योंकि वो इतनी हिलती है ना और इतने इतने पतले पतले टायर। लेकिन करण बहुत स्मार्ट है, करण ने बहुत बार किया, उसको सारी टेक्निक्स पता है ना। उसने खुद ही कर लिया, दो तीन साल में यही काम करूंगा मैं। ऐसा खोल लेंगे तो हमारा बिजनेस चलाना है दोस्तों, हम ये खोलने वाले हैं। काम करते ये कंपनी छोड़ते और यही बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। इंस्ट्रक्टर बन जाते गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे 8:45 और मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोलने देता है। अच्छा गुड मॉर्निंग बस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। कल बाय द वे डिनर बहुत अच्छा था, काफी सारी वैरायटीज थी। नहीं खाना तो अच्छा है बट वैरायटीज थोड़ी कम है। वैरायटीज का जिस हिसाब से पैसे पे करने पड़ते हैं इस प्रॉपर्टी पे, आई एक्सपेक्ट कि उससे थोड़ा ज्यादा खाना मिले। स्विमिंग पूल मत देना, स्विमिंग पूल मत देना, वो मैंने बता दिया। हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। लेट्स सी के ब्रेकफास्ट में कौन कौन सी आइटम थे। कल डिनर काफ़ी अच्छा था और उसमें लकीली स्वीट भी थी। हमें लगा कि दोपहर में छाछ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम माय फेवरेट, दोपहर में छाछ नहीं दिए तो शायद शाम में कुछ स्वीट नहीं मिलेगी। एक काम करके बोला तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है आज ब्रेकफास्ट में। भाई कल रात को हम यहाँ पे ऊपर टेरेस है ओपन, वहाँ पे बैठे थे और जो व्यू है वहाँ से बहुत मस्त आ रहा था। सामने ही पावागढ़ है ना। हाँ, पावागढ़ पावागढ़ है तो माता का मंदिर है। वहाँ पे पूरी रात लाइटिंग हो रही थी, मस्त व्यू था और थोड़ी थोड़ी ठंड भी थी। अभी विंटर स्टार्ट हो गया इसीलिए तो एक डेढ़ घंटा हम लोग बैठे। अच्छा एक्सपीरियंस था ना वहाँ पर। अरे हाँ, मैंने तो अपने सारे बैक फ्लैश मूवमेंट्स जी लिया बैठे बैठे। बहुत अच्छा था मतलब। और वहाँ पे ऐसे ही टेरेस वाले अगर आप लोग रूम ले रहे हो दिस वन तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ से जो सामने वाला व्यू आता है ना वो बहुत मस्त आता है। और ये मेरी वाइफ है अंजलि, बहुत अच्छी है और उसने बोला कि व्लॉग में प्लीज़ मेरी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ करा करें। अंजलि सिंह माय वाइफ, और बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और सारा काम कर देती है। और क्या बोलना है, ये बोलने के लिए ही कहा था मैंने। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमें ये कितने में पड़ा है। तो ये रूम हमें कुछ 11,800 में पड़ा, एवरीथिंग इंक्लूडेड। सो ब्रेकफास्ट लंच डिनर हाई टी और एडवेंचर एक्टिविटीज़ जितनी भी वो सारी इंक्लूडेड है।
ठीक है, मतलब 11,800 इज वर्थ इट, जस्ट अगर स्विमिंग पूल अच्छा होता तो मज़ा आ जाता, वो इतना अच्छा नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड, मैंने बहुत बार ब्लॉग में बोल दिया, ऊपर बालकनी वाला जो है वो रूम लीजिए, वो आई थिंक इससे 2,000 सस्ता भी है और वो ज़्यादा मुझे वर्थ लग रहा है कम्पेयर टू दिस। सो या देयर यू गो, 11,800 रुपये पड़े एवरीथिंग इंक्लूडेड फॉर 2 पर्सन फॉर 1 नाइट। मैं बोलूंगा अब, एक्चुअली मेरे को तो फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट भी चाहिए था। अच्छा है वो करण ने मेरे को मार मार के बोला फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट नहीं करना, क्योंकि हम तो स्विमिंग पूल के अंदर ही नहीं गए हैं और फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट के कितने एक्स्ट्रा थे? 2500 रुपए एक्स्ट्रा थे, इससे बेटर तो आप डूब जाए थोड़ा पानी में। सस्ते में हो जाता वो। और बाय द वे वी आर वेरी क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर्स, जस्ट आई थिंक 97-96 बचे, सो प्लीज मेक श्योर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए हो उसकी आपको अपडेट मिले। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है गुजरात में या फिर गुजरात के आसपास जो विंटर में हम विजिट कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू सी दैट प्लेस जस्ट कमेंट डाउन बिलो, विल ट्राई टू मेक अ व्लॉग और ट्राई टू गो देयर एंड यू नो शूट अमेजिंग वीडियोस। या सो प्लीज कमेंट एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, 10K जल्दी होने वाले हैं। बाय बाय। मेरे को फिर से उसने लिया, नहीं लिया है तो फिर मेरी तरफ से भी बाय।